इस समय जो पानी का करंट है ना, अगर मैं किलोमीटर पर आर की भाषा में बात करूं तो मुझे लगता है कम से कम 40 से 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम गुरेज वैली में डावर गांव में खड़े हैं, जहां मैं एग्जैक्टली खड़ा हूं, मेरे पीछे आप लॉगर्ट कैफ़े देख रहे हो, इसको इंडियन आर्मी रन करती है। वैसे यहां पर हम शाम के समय लौट कर आएंगे, तब कुछ चाय कॉफ़ी या इवनिंग स्नैक यहां पर ले लेंगे। अभी मैंने वैसे अंदर जाके पता लगा लिया है कि अगर कोई आके अंदर सैंडविच खाना चाहता है, चाय कॉफ़ी लेना चाहता है तो अवेलेबल है। सुबह 8 बजे आई थिंक ये स्टार्ट कर देते हैं और इवनिंग में 8:30-9 o'clock तक ये कैफ़े ओपन रहता है। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं खंडियाल टॉप विज़िट करके। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टॉप है, वहाँ से हमको बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तो इसी एक्साइटमेंट से अब हम यहाँ से गुरेज की जर्नी शुरू कर रहे हैं। पहुंच गए हम खंडियाल टॉप, जहां पर नजर मारो वहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। इस तरफ को ट्रीज ही ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। और इन चारों तरफ जो बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उसके बीच में ये वैली है। ये देखो जी, जहाँ मैं फिंगर पिन पॉइंट कर रहा हूँ ना, ये हबा खातून पीक है, जो मतलब पहाड़ है, इसका कलर एकदम डिफरेंट है। वहाँ पर मेरे को देखने से लग नहीं रहा कि कोई पेड़ होंगे, होंगे भी तो बहुत कम है इन पहाड़ों के मुकाबले में। पूरा 360 जब मैं घूम के देख रहा हूँ ना, तो कोई भी पहाड़ दूसरे पहाड़ से सिमिलर नहीं है, चारों तरफ व्यूज अलग है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। ये सारा जो गांव आप देख रहे हो, जितनी सारी हट्स दिखाई दे रही हैं, ये सारा का सारा डावर गांव है। और एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो कम से कम मे बी 1 किलोमीटर दूर किशनगंगा रिवर दिखाई दे रही है। कैमरा में ऐसा जूम करके नहीं समझ आएगा, लेकिन जब हम डावर से निकले थे ना, जहां हम रुके हैं वहां से निकले थे, तो किशनगंगा रिवर को हमने बहुत नज़दीक से देखा था। मैंने आपको गुजर पहले बताया ना, ये डावर गांव है। एक्चुअली ये डावर गांव नहीं बोल सकते, इसको खंडियाल गांव बोल सकते हैं, क्योंकि हम खंडियाल टॉप के ऊपर है ना, तो ये खंडियाल गांव है और इसके बगल में ही 1 किलोमीटर दूर डावर गांव है, 1 या 2 किलोमीटर दूर डावर गांव है। तो अभी हम डावर तहसील में है, खंडियाल टॉप, और यहाँ से व्यू आपको भी दिखा रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं। और तुलेल जो तहसील है वहाँ हम जाएंगे, और वहां जाके भी हम देखेंगे गुरेज का वो हिस्सा कैसा दिखता है। बहुत बढ़िया। ये जो आप कैंपिंग साइट चला रहे हो, हाँ सर, इसमें बताया 4 लोगों का 1500 रुपए, हाँ, अगर कोई एक आदमी रहेगा तो इसके लिए 1000 सर, 1000 रुपए, 1000 सर। अच्छा, तो यहाँ पर टॉयलेट के लिए क्या करते हो, कुछ बनाया? सर, वॉशरूम में। अच्छा, वहाँ वॉशरूम बनाया साइड में सर, झाड़ी में देखा मैंने, वो पीछे सामने। हाँ सर, साइड में लगा है, क्योंकि इससे अच्छा रहता है साइड में, स्मेल वमेल नहीं आती है सर। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
लोकेशन तो बड़ी प्यारी है। हाँ सर, बहुत है? सर, हाँ सर, अच्छी लोकेशन है। तो आपकी भी चार महीने कैंप चलती होगी यहाँ? हाँ सर, बराबर चार। जून से स्टार्ट करते? हाँ सर, जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, चार महीना। हाँ सर। और वैसे रहने वाले आप कहाँ के हो? खंडियाल के सर। अच्छा, एकदम विलेज है खंडियाल। गाँव में रहते हो? हाँ सर। बहुत बढ़िया। काफ़ी देर से ना हम किशन गंगा रिवर को सेम हाइट से देख रहे थे, ज़्यादा ऊपर नहीं थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, किशन गंगा रिवर हमें ऊपर से दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ और आप पानी का करंट देखो, खुद ही आप जज कर लोगे कि रफ्तार क्या है। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पानी चट्टान से टकराता है ना, तो करंट महसूस होता है। अब ऊपर ग्लेशियर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बर्फ जो ऊपर दिख रही है ना, पूरे साल ऐसे ही रहेगी। ये जो महीने चल रहे हैं ना अभी, जैसे आज हम जून के लास्ट वीक में हैं, तो ग्लेशियर अभी मेल्ट हो रहे हैं, तो मिट्टी साथ आ रही है, तो पानी का रंग ऐसा है। एक महीने के बाद, जुलाई सेकेंड हाफ से लेके अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर तक, जब आप किशनगंगा नदी का रंग देखोगे ना, तो वो नीले रंग का पानी है। आप गूगल में फोटो करो ना किशनगंगा रिवर, उसी से आपको आइडिया होगा। पाकिस्तान में इस नदी का नाम है नीलम। बहुत बार बोलने में हम ऐसा बोल देते हैं ना, जर्नी इज मोर इंजॉयबल देन द डेस्टिनेशन। यहाँ पर क्या सीन है, जर्नी तो इंजॉयबल है ही है, साथ साथ डेस्टिनेशन भी इंजॉयबल है। अब ऐसे ही एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए, हम एक ऐसी हाइट पे खड़े हुए हैं जहाँ से आपको एक ऐसा बन रहा है किशनगंगा रिवर का। सामने जो आप गाँव देख रहे हो, तुलेल तहसील का ये पहला गांव है, इसका नाम है बुरनाली। तो जब आप डाबर से यहाँ आ रहे होगे, तो अगर आप ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते तो आप बुरनाली गांव तक आओ, ये व्यू पॉइंट देखो और वापस डाबर चले जाओ। अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा आगे जाकर शेखपुरा तक जा सकते हो। जैसे हम शेखपुरा जाएंगे, आपको दिखाएंगे। देख लो, हम आपको गुरेज वैली में कैसे कैसे सीन दिखा रहे हैं। सामने देखो, ये रफ्तार में जो पानी आ रहा है ना, ये किशनगंगा नहीं है। अगर किसी को नहीं पता हो तो आदमी किशनगंगा से कंफ्यूज कर जाएगा। ये पाकिस्तान से रिवर आ रही है, ये 300 मीटर आगे जाने के बाद ना किशनगंगा पे मिल जाएगी। गुरेज मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर का वो हिस्सा देखना चाहता हूँ जिसको देख के मेरे को लगे मैं 50 साल पुराने कश्मीर में आ गया। अभी तक मैंने वैसा फीलिंग नहीं ली जो यहाँ पे खड़े होके ले रहा हूँ। आप जितने भी घर हैं ना, ये इसको PTL बोलते हैं, पुराना तुलेल। अभी मैंने काफ़ी जगह बोर्ड लगा हुआ भी देखा था, PTL, तो हमको समझ आ गया पुराना तुलेल है। तो जितने घर हैं इसमें सारे लकड़ी के हैं, कॉन्क्रीट से एक भी नहीं है। ये सब पुराना तुलेल के गाँव हैं, मतलब घर हैं। अब जिस जगह मैं खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, वो जगह ये देख लो जी, ये घरों घर की चार दीवारी है। जैसे हमारे यहाँ ईंटों से दीवारी बनती है ना, तो ये ऐसे पत्थरों से ये दीवार बना लेते हैं, और पीछे ये लकड़ी का घर है। अब क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो ऐसा टिन ऊपर लगाते थे जब बर्फ़ ऊपर टिके ना, और अगर लकड़ी से पहले बनाते थे लकड़ी, फिर वो ख़राब हो जाती थी। अब टिन ऐसे इन्होंने टिन से कवर कर दिया, स्नो ऊपर रहे ना, नीचे मेल्ट कर जाए।
वापस हम रुक गए हैं एक और खूबसूरत व्यू देखने के लिए। सामने जो आपको ये गांव दिखाई दे रहा है, इसको शेखपुरा विलेज बोलते हैं। नीचे किशन गंगा रिवर है, ये एक डिफरेंट रिवर का व्यू है। सामने मैं श्योर नहीं हूँ कि JKTDC की प्रॉपर्टी ऑपरेशनल हो गई है नहीं हो गई, लेकिन यहाँ पर काम चल रहा है। सामने जो हट दिख रही है ना, JKTDC यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बना रही है। यहाँ पर जो पहाड़ है ना इस तरफ को, इनमें घास है, पथरीले पहाड़ नहीं है। जैसे कुछ देर पहले हम देख रहे थे पथरीले पहाड़ थे, बगल में हम रिवर देख रहे थे, ये लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम शेखपुरा विलेज पहुंच चुके हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस मोहम्मद यासिन भाई से करवा रहा हूं, इरफान हमारे साथ हैं। तो एक तो हम आपका विलेज विज़िट करना चाहते हैं और लंच भी करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं पहले लंच करते हैं, लंच करते करते थोड़ा सा समझेंगे इस गांव के बारे में, आपके जीवन के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा विलेज भी विज़िट कर लेंगे। कुछ बेसिक दो चार बातें बताओ। यहां से कहते हैं चकवाली लास्ट विलेज है जी सर, उसके बाद पीओ के आ जाता है राइट सर। तो कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर आपको चकवाली दूर पड़ेगा। उसके बाद आगे से आर्मी लव नहीं करती है, आर्मी पोस्ट होती है उधर से आगे आर्मी होती है सर। तो हम तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर हम चकवाली चले जाएं तो वहाँ हमें, यहाँ तो इतना अच्छा व्यू है, तो वहाँ कुछ डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा? डिफरेंट व्यू नहीं है सर, ऑलरेडी है पहाड़ी इलाका है, तो उसमें सेम यहाँ का जितना व्यू है उससे अच्छा नहीं मिलेगा सर। सेम लेवल। सही है। तो अभी यहाँ पर ना हम देख रहे थे JKTDC भी प्रॉपर्टी बना रहा है अपना जी सर, तो वो लोग अभी सर 1-2 साल में वो पूरे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, और थोड़ा बढ़ते हैं आपके गांव के लिए, और क्या आबादी है इस विलेज की? विलेज की पॉपुलेशन सर नियर अबाउट 1000 होगी सर। अच्छा जी सर, 1000, तो छोटा गांव है पूरे इस्तेलेल में, सबसे छोटा गांव यही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे एजुकेटेड विलेज यही मिलेगा, जहाँ पे लिटरेसी रेट आपको 99% मिलेगी। बड़ी अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू सर। विशेष कारण सर? रीज़न ये है कि विंटर्स में यहाँ से लोग शिफ्ट करते हैं, और मेन है कि सर एम्प्लॉयमेंट है इस विलेज में, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी आपको 90% मिलेगा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, एज कम्पेयर टू पूरा होल गुरेज वैली आपको 90% यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है और अपना सोर्स है, जिस वजह से लोग पहले भी गए जो यहाँ से निकले हैं बांडीपुरा गए या कहीं पे गए, उन्होंने देखा वहाँ का एक्सपोजर मिला, तो तब जाके अपने बच्चों को भी इसी में इन्वॉल्व रखा कि भाई एजुकेशन हमें हासिल करनी है। अच्छा, अब बात समझे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं राइट सर, जिसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए जी जी सर। तो यहाँ के लोग फिर बच्चों को बोलते हैं कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, जिससे कल को आपको जॉब मिल सके राइट सर, ऐसा की कारण है ना जी जी। ये तो अच्छी बात है, और इतना यार आपने अच्छे हाई कॉन्फिडेंस से 99% लोग, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर जैसे वो विलेज देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे जी सर। मैक्सिमम तो क्या ऐसा देख के लग रहा है कि लकड़ी के ज्यादा मकान है? क्योंकि सर विंटर में 5-6 फुट बर्फ पड़ता है, उस वजह से लोगों को स्टे करना होता है अंदर, आयरन स्टोव जिसको हम बुखारी बोलते हैं, लकड़ी की बुखारी जलानी पड़ती है, उस वजह से कंक्रीट जो होते हैं कंक्रीट ठंडा हो जाता है विंटर में। सीमेंट का मकान वगैरह जो बनाते हैं सर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से लकड़ी जो है अंदर से उसमें मिट्टी वगैरह लगा के होती है, पहले हुआ करते थे, अब पैनलिंग वगैरह होता है उस वजह से गर्म रहता है। समझ गए, इस वजह से लकड़ी। तो यहीं से रास्ता आपके घर जाने का? यहाँ से भी रास्ता है सर, ये भी ये तो घरों को देख के भी ऐसा लग रहा है काफी पुराने घर है। पुराने घर कम से कम 25-30 साल पहले के। अच्छा, और मैंने भी देखा था यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी आ रहा है सर, पहले तो 2 साल से ये जियो का चल रहा है। हाँ, जियो भी है, एयरटेल भी है। हाँ, नेक्स्ट काम चल रहा है, एयरटेल का काम चल रहा है और BSNL का भी काम चल रहा है सर। चलो चले अंदर। सिटिंग अरेंजमेंट हमने रिवाइज कर लिया है, यासिन भाई को मैंने बोला आप चेयर लेके साथ ही बैठ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर बैठ के ना थोड़ा हाइट से गांव देख रहे हैं, साथ साथ फूड इंजॉय करेंगे, बहुत बढ़िया।
तो ये लिंगड़ा की जो सब्जी है जिसको आप क्या बोल रहे हो? लंगू। लंगू जी। तो ये लंगू है, ये लंगू आप कैसे सुखा के बनाते हो? सुखा के बनता है सर। अच्छा। पहले जंगल से लाना पड़ता है। अच्छा। पहाड़ी से। मेरे को अगर आप नहीं बताते कि ये लंगू है, मतलब लिंगड़ा बोल भी देते तो भी, मतलब मुझे नहीं पता होता था, मैं पहचान ही नहीं सकता खा के। जैसे हम लोग मशरूम खाते हैं, तो एक मशरूम होता है जिसको उगाया जाता है, और एक मशरूम होता है जो जंगल में नेचुरली ग्रो होता है, उसको निकाल लिया जाता है। उस दोनों के टेस्ट में कितना फर्क होता है, वो चीज इस स्वाद में है। हमें तो किसी ने बताया था कि जो आलू आपके गुरेज में उग रहे हैं, ये आलू साइज में छोटे होते हैं, ये तो आपने बड़े बड़े आलू काटे हैं। साइज में छोटे भी नहीं होते हैं, बड़े होते हैं, कम से कम एक दो किलो का भी होता है, डेढ़ किलो, एक किलो का। अच्छा, बड़ा होता है। मैंने उल्टा सुन लिया आपको, तो किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। एक आलू एक किलो का? एक किलो का भी होता है। कोई डेमो दिखाने के लिए है आपके पास आलू? घर में पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं, खाने के बाद आप मुझे एक किलो वाला आलू दिखाना। देखो, मैं कोई आलू का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आलू की सब्जी खा के मेरे को अच्छा लग रहा है, एक फ्रेशनेस जैसी फील आ रही है। और गांव में जैसे खाने को तैयार किया जाता है, सादगी होती है फूड में, सेम सादगी हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। जब आप कश्मीर में ट्रैवल कर रहे होगे ना, तो आपको वेजिटेरियन फूड आइटम्स में ऐसा बताया जाएगा कि ये कड़म है ना, कड़म साग बोलता है, हाक साग यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये आपको टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। श्रीनगर में हो तो वहाँ भी कर लो, या कश्मीर में कहीं भी सफ़र कर रहे हो, आपको ये जगह जगह मिलेगा। अच्छा, राजमा यहाँ के जो हैं, इसका साइज़ थोड़ा साइज़ छोटा है, छोटा इतना, उससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है, एक किस्म का होता है। अच्छा, अलग अलग वैरायटी। बहुत बढ़िया। अब इसमें खास बात पता क्या, एक घर के खाने का जो स्वाद है ना, वो चीज़ खास है। बाकी जगह हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाया था, ये जो घर का टेस्ट है, ये गजब है। मसाले वसाले है ही नहीं, मसाले सिर्फ हल्का सा नमक है, और बस। और कुछ भी मुझे इसमें नहीं महसूस नहीं हो रहा, बहुत जूसी है, बहुत रस है इसके अंदर। नॉर्थ इंडियंस के लिए ना राजमा चावल स्टेपल है, ऐसा लगता है हर घर में हफ्ते में एक बार तो कंपलसरी बनते ही बनते हैं। पिछली बार जब मैं जम्मू आया था ना, तो एक भदरवा करके जगह है, मुझे पता लगा था वहाँ के राजमा बड़े फेमस है, अब कश्मीर में आए हैं तो यहाँ पता लग रहा है इधर के बड़े फेमस है। अब देखो, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, कुकिंग का भी और उसको सर्व करने का भी। बाकी गुरेज वैली के राजमा फेमस है, ये तो बात मेरे को काफ़ी लोगों ने पिछले दो तीन दिन में बोली है। जहाँ पर बैठ के हम लंच कर रहे हैं, इसके पास में एक मधुमक्खी का छत्ता भी है, तो मैंने इनसे पूछा कोई हमें मधुमक्खी से कोई खतरा? कह रहे खतरा कोई नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हो थोड़ा डिस्टेंस पे, और वैसे काफ़ी पास ही है। ये जो आप बॉक्स में आपके पास मधुमक्खियाँ हैं, ये अंदाज में कितनी होंगी, कोई नंबर बता सकते हो? 2000 से 3000 तक। अच्छा, तो इसका शायद आप कैसे निकालते हो? ये ईयरली एक बार निकालते हैं। चलो जी, स्वाद लेते लेते लंच फिनिश करेंगे, फिर हम यहाँ से गांव देखने को निकलेंगे, फिर आगे जैसे जर्नी प्रोग्रेस करेगी। जाने से पहले आप हमको जीरा जरूर दिखाना, अगर हो सके तो, एक जीरा और एक बड़ा वाला आलू। अच्छा, आप जीरा ले आए, ये है गुरेज का फेमस जीरा। ये तो इधर से खुशबू आ रही है,
ये है ना सर, ये आजकल लोकल बीयर है। अच्छा जी, थोड़ा मेरे हाथ में दो। देखो कच्चा जीरा खाने से तो फर्क महसूस हो रहा है, और सब्जी में डलने के बाद उसका अलग ही होता है, सब्जी का अलग जायका होता है। अभी मैंने इनके साथ जो लंच किया है ना, तो मैं इनको बोल रहा था लंच का आपको कितना पेमेंट दूं, तो कहते हैं कि आप अपने हिसाब से दे दो। तो मैंने कहा अब अपने हिसाब से कैसे, तो फिर एनीवेज मैंने अपने हिसाब से इनको दे दिया। मैं अभी ये उसके बारे में मेंशन नहीं कर रहा। तो मैंने इनको बोला कि आप दो तीन दिन में ना थोड़ा एक बार वर्कआउट कर लो, क्योंकि कोई आदमी आपके पास आए तो बेटर है आपके पास वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का एक सेक्शन बना लो कि हम तीन चार डिश बनाते हैं। भले आपका पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन एक बेहतर रहता है ना, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो अगर कोई आके आपके साथ लंच करना चाहे तो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा दो चार दिन में, जैसे आपको ठीक लगेगा। तो फिलहाल अभी हम गाड़ी तक चलते हैं और फिर चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा जी, ओके, धन्यवाद आपको। ओके थैंक्स, बाय बाय, आते रहिए। उफ, पिछले एक घंटे से ना हम गाड़ी में चल रहे थे, मेरा मन हो रहा था ब्रेक मारे, लेकिन क्या लगा कि ये सीन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आगे चलते जाते हैं। फिर मैंने कहा रुक के जाए। इस समय जो पानी का करंट है ना, अगर मैं किलोमीटर पर आर की भाषा में बात करूं तो मुझे लगता है कम से कम 40 से 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी, ऐसा मेरे को यहाँ पे खड़े होकर महसूस हो रहा है। अब धूप वहाँ रह गई है, यहाँ सब शेडो हो गया। थोड़ा सा ये रास्ता बना हुआ है, नीचे पानी के पास तक चलेंगे। लो जी, पहुंच गए हम पानी के पास। सो ब्यूटीफुल, लवली। हम लौट कर वापस डावर के पास आ चुके हैं। डावर यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अभी मैं आपको ना हबा खातून पीक दिखा रहा हूँ, जो सुबह हमने खंडियाल पॉइंट से देखी थी, खंडियाल व्यू पॉइंट से। तब तो देखो पीक दूर थी, और ये अभी हमारे ठीक सामने है। अब सुबह और अभी में अगर मैं कंपेरिजन करूँ, सुबह एकदम डार्क था और अभी रोशनी पीक पर कितनी फुल ऑन पड़ रही है। अब इस जगह के बारे में आपको दो तीन बातें बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, जब टूरिस्ट डावर तक, डावर क्योंकि मेन टाउन है, डावर आते हैं और वो चाहते हैं हबा खातून में हम स्प्रिंग तक जाएं। वो सामने जो दिख रहा है ना, वो है हबा खातून स्प्रिंग। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब डावर से आते हैं 4 किलोमीटर का सफ़र करके, तो वो स्प्रिंग की डायरेक्शन में टर्न ना लेके सीधे चले जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ जाएं। तो ये बताने के लिए हमने यहाँ गाड़ी रोकी है कि आपने क्या करना है मालूम, सामने एक ब्रिज है, वो लोहे का ब्रिज पार करना है। पार करने के बाद उस तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं, वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और वहां से पैदल चले जाना है, मुश्किल से 400 मीटर इतना ही होगा। हाँ, 400 मीटर तो आप हबा खातून स्प्रिंग तक पहुंच जाओगे। ये तो होगी बात वहां पहुंचने की और हबा खातून पीक की। हम स्प्रिंग देखने के बाद जब पीछे की तरफ जाएंगे ना, थोड़ा अंधेरा होने से पहले कोशिश करेंगे इस पीक को देखें, तो चांसेस हैं कि हमें ये ऊपर से पीक गोल्डन दिखाई दे। मैं आज की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इस रोड की जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। ये सीधा रास्ता चुरवन शाहपुरा को जाता है। अब चुरवन क्या है, इस साइड का लास्ट विलेज है। अगर मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँ वो अलग बात है, यहाँ से आगे जाना किसी को अलाउड नहीं है। चुरवन आखिरी गाँव है, सिर्फ गाँव में जो रहते हैं वो जा सकते हैं। तो 2 से 2.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद, या मे बी 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद, आप पीओके बॉर्डर तक चले जाते हो।
तो ये रीजन है वहां पर एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताई क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। एक तो गुरेज के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये तो फिर थोड़ी गहरी बातें हो गई। हमें क्योंकि नॉलेज मिल रही है तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्प्रिंग विजिट करने के लिए हमने अपनी गाड़ी को सामने वहाँ खड़ा कर दिया है। मैं आपको बता रहा था ना पाकिस्तान से रिवर आ रही है ये, अब आप देख लो क्लोजअप में, इसको बुर्ज नाला बोलते हैं। चलो अब हम यहाँ से स्प्रिंग की ओर चलते हैं। लो जी पहुंच गए हम हबा खातून स्प्रिंग के पास। दूर से देखने से ना समझ में नहीं आ रहा था पानी आ कहां से रहा है। अब यहां के देखो कैसे पहाड़ के नीचे से पानी निकलता हुआ आ रहा है। लवली लवली। इतना ठंडा पानी है कि मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए पानी में हाथ डाला है और हाथ सुन्न हो गया ऐसा लग रहा है, सुपर कोल्ड। मेरे पास एक बॉटल है, स्प्रिंग वाटर फिल कर लेते हैं। वैसे सही मायने में ना स्प्रिंग वाटर का टेस्ट अलग तो होता है। दिल खुश हो गया, सो हैप्पी। और मैं वापस मेंशन कर रहा हूँ ये पानी कितनी रफ्तार से यहाँ पर आ रहा है। इधर एक फॉल बना रहा है छोटा सा, फॉल मतलब एक स्टेप बना रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं सोच रहा था अगर वहाँ खड़े होकर मैं एक फ़ोटो ले लूँ ना तो बहुत प्यारी फ़ोटो आएगी, फ़ोटो या वीडियो बना लूँ तो बहुत प्यारा आएगा, बेहतरीन। लवली। तो बुर्ज नाला सामने है, ऑलरेडी मैं बात बता चुका हूँ। तो अभी ये जो ये पानी है ये बुर्ज नाले में मिल रहा है, और आगे बुर्ज नाला कहाँ जा रहा है मेरे को जानकारी नहीं है। अब हम ऊपर चलते हैं और जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहीं तक जाएंगे और फिर देखते हैं अगर हमारे को हबा खातून पीक का व्यू देखने को मिले। कहते हैं गोल्डन व्यू मिलता है शाम के समय, एक बार ट्राई मारेंगे। हमने सोचा डे एंड करने से पहले लॉगआउट कैफ़े जाएं और अपने लिए कॉफ़ी ले लें। मतलब सुबह मैं यहाँ पर आया था ना तो मैंने कहा था शाम को डे एंड यहाँ पर करेंगे, तो कॉफ़ी मैंने ले ली अपने लिए। वैसे मैंने यहाँ के पता लगाया था, इनके पास ना फास्ट फूड में बेसिकली नूडल्स, फ्राइड राइस, सैंडविच, इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं अदर देन कॉफ़ी। सही है, कॉफ़ी मस्त स्ट्रॉन्ग है। आमतौर पे जब टूरिस्ट गुरेज वैली आते हैं ना डाबर की तरफ तो एक ना एक चक्कर तो यहाँ लगा लेते हैं। एक तो बात यह है कि बाहर आई लव गुरेज लिखा है तो अच्छा लगता है, दैट्स अ गुड पॉइंट टू टेक फोटोग्राफ। और अदरवाइज जिसको फास्ट फूड खाना है या कॉफ़ी पीना है अपने हिसाब से सही रहता है। बहुत खूब। अब इस कैफ़े के बारे में कुछ और बता देता हूँ। जनरली क्या है, एक तो कैफ़े है ऑब्वियसली जिसको आर्मी रन करती है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ना इवेंट्स भी होते हैं जिसमें काफ़ी बार टूरिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, लोकल्स को इन्वॉल्व करते हैं, और आर्मी उन इवेंट्स को फैसिलिटेट करती है। जैसे किसी को अगर अपने थॉट शेयरिंग करनी है कि गुरेज को कैसे डेवलप किया जाए तो दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल कम एंड इंटरेक्ट। राइट, कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा है। तो अब कॉफ़ी फिनिश करके हम अपने होम स्टे चले जाएंगे
और कल हमारा प्लान ये है कि कल हम गुरेज से निकलेंगे, आई थिंक 10 तो बच जाएगा निकलते निकलते, क्योंकि सुबह हमें एक दो पॉइंट्स विजिट करने हैं, फिर हमें श्रीनगर को निकलना है, रास्ते में हमको वूलर लेक विजिट करनी है, वूलर लेक मानसबल लेक करते करते शाम तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे। तो ये हमारा कल का प्रोग्राम है जो आप अगले एपिसोड में देखोगे, राइट। फिलहाल मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। आज की जर्नी ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, खूब इंजॉय किया, मतलब हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि गुरेज जाया जाए, और गुरेज आने के लिए जो बेस्ट समय है ना वो यही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये बात मैंने पहले भी काफ़ी बार बोली है, ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाए कि बेस्ट टाइम टू ट्रैवल कौन सा है, राइट। चलो यहीं पे आपको मैं बाय बाय करता हूँ, और जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।